नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो आज जैसा आप लोगों ने देखा कि आज बैंक निफ्टी में जो है एक बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिली। जैसे ही हमको कल तेज़ी देखने को मिली थी, वैसे ही आज बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त जो है गिरावट देखने को मिली। तो आज इसके एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से सपोर्ट ब्रेक होते गए और बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ आता गया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। और डेली आपके लोगों के लिए हम जो है बैंक निफ्टी की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है बहुत यूजफुल होने वाली है। तो फाइनली अब देखिए यहाँ पर जो अब बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बना दी है, तो यहाँ पर अब जो है देखिए एक बैंक निफ्टी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है हम लोगों को कि मतलब बायर्स को यहाँ पर अभी अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी आपको टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप समझते हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये एक एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल किसको कहते हैं? जो ऐसी कैंडल जो अपनी प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर समा ले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पिछली कैंडल है, अगर हम इसको आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। मीन्स ऊपर की तरफ से भी पूरा कवर कर लिया है और नीचे की तरफ से भी पूरा कवर कर लिया है। इसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल, ये है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब हम देखेंगे कि मतलब कल को हमने किस तरह से ट्रेड करना है, और अभी हमने कुछ अगर बाइंग के स्टॉक्स हमने होल्ड कर रखे हैं या सॉरी इंडेक्स के हमने कुछ ऑप्शन वगैरह होल्ड कर रखे हैं, तो उसको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए कल का जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 28,950 का। तो 28,950 के नीचे अगर ये ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा तो बैंक निफ्टी में जो है हम बिल्कुल जो है बेरिश हो जाएंगे, और उसके बाद 28,950 के बाद हमारा यहाँ पर जो टारगेट रहने वाला है वो हमारा टारगेट रहने वाला है 28,000 के नियर अबाउट। यहाँ पर जो है ये वो टारगेट हमारा यही पर रहने वाला है। तो चलिए ये हम इसको जो चार्ट जो है 15 मिनट का करते हैं और एनालिसिस करेंगे कि आज हमने जो है ट्रेड लिए वो किस तरह से लिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक ट्रेड बताया था, मतलब टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं देखा है या फिर शायद आप अगर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम जो है कंटिन्यू अपनी एनालिसिस यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर हमने कौन से ट्रेड लिए, कौन से एग्जीक्यूट किए, कौन से जो है सेल किए, कहाँ प्रॉफिट बनाया, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी कोई बन रही है, वो सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। तो फाइनली देखिए मैंने आज आपको सवेरे जो है 2 मिनट के चार्ट में आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई थी। ये ट्रेंड लाइन चार्ट को ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आप लोगों के लिए चार्ट जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद चीजें आपको अच्छे से दिखाई देंगी। ये देखिए अब ये 2 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब ये जो सवेरे जो इस तरह से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बता दिया था कि अब हम जो है यहां पर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाने वाले हैं, शॉर्ट साइड जाने वाले हैं, और मैं यहाँ पर अब एक बड़ी क्वांटिटी जो है शॉर्ट करने जा रहा हूँ। मीन्स मैं अभी पुट बाय करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने नियर अबाउट 3,000 क्वांटिटी को हमने जो है ट्रेड किया था। फाइनली देखिए हमने जब यहाँ पर पहले ट्रेड की चर्चा करूंगा तो यहाँ पर ये जो पहला आप 2 मिनट का कैंडल देख रहे हैं इसका जब हाई निकला था तो मैं जो है बुलिश साइड गया था, बट वहाँ पर कुछ प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। फाइनली देखिए क्योंकि अभी ये 30,000 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और जिस तरह से हायर हाई बनने चाहिए, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनना चाहिए, वो प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पर मैं बेरिश हो गया, बिकॉज यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ था, तो जिन्होंने नीचे से बाइंग की होगी उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। और जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो डाटा भी की भी मैंने एनालिसिस की, तो एनालिसिस जो है बता रहा था कि मतलब मार्केट जो है अभी नीचे की तरफ जो है जा सकती है। सो हम यहाँ पर जो है इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड पर पूरा कॉन्फिडेंस था और हमने ये जो ट्रेड जो है मतलब बड़ी क्वांटिटी से किया था। चलिए आइए अब इसको हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे और आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि मार्केट में जो है सेल ऑफ आज क्यों आया। तो ये देखिए अब मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है, इसको हम आगे करते हैं। चलिए ये अब हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो 200 पॉइंट का यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद ये कुछ देर तक ही ऊपर सस्टेन किया, फाइनली इसने जो है अपना डे लो ब्रेक कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता था, बहुत ईजी ट्रेड था। देखिए बिल्कुल सिंपल एनालिसिस थी हमारी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अब यहाँ पर 15 मिनट का जब यहाँ पर कैंडल ब्रेकआउट हुआ था तो हमने यहाँ पर अपना दूसरा ट्रेड भी बनाया था। मीन्स हमने शॉर्ट साइड में यहाँ पर 3 ट्रेड बनाए थे और तीनों ट्रेड जो है काफी बड़ी क्वांटिटी में बनाए थे यहाँ पर,
बिकॉज यहां पर हम फुल कॉन्फिडेंट थे। तो अब यहां पर देखिए, इसने जो 15 मिनट की कैंडल ने जो यहां पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आने लगा और फाइनली यहां पर एक छोटा सा बाउंस बैक आया था। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि ये एक लेवल है, इस लेवल पर आने के बाद बैंक निफ्टी में जो है एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहां पर ये देखिए, अब देखिए मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपको इस लेवल के आसपास कहीं मिले तो आप जो है बैंक साइड में जा सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से बाउंस बैक करने के बाद बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स जो है ऊपर की तरफ गई थी। अब ये क्यों बाउंस बैक हुआ था, क्योंकि मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि यहां पर एक डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। अगर आपको मार्केट यहां पर मिले तो आप जो है बाइंग साइड के लिए जो है क्लियर कट जाइए। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल भी 15 मिनट के चार्ट में फॉर्म हुई थी और फाइनली जब इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहां पर जो है बाइंग एंट्री बनाई थी। चलिए आज का तो जो बैंक निफ्टी ने जो दिखाना था वो दिखा दिया, काफी डाउनफॉल दिखाया। अभी हमारे लिए कल का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कल हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो एक यहां पर एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन भी जो है फाइनली आज ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अब देखिए, अब हम यहां पर बाइंग साइड कब जा सकते हैं, तो अभी देखिए 15 मिनट का चार्ट है, बाइंग साइड जो हमको जाना है अब वो बाइंग साइड हम देखेंगे 29,400 रुपए के ऊपर। अभी फिलहाल हम जो है बैंक निफ्टी में बेरिश हो चुके हैं, तो जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है, जो ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है, वो भी अभी जो है मतलब टोटली नेगेटिव है। तो अभी हम जो है ऊपर की तरफ के ट्रेड जो है बहुत कम बनाएंगे। अगर ऊपर की तरफ के ट्रेड अगर आप बनाने भी होंगे तो वहां पर जो है 50-60 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करके वहां से जो है निकलने की कोशिश करिएगा। वहां पर जो है मतलब एक व्यू बना के नहीं बैठना है कि हमने नहीं ऊपर की तरफ ही जाना है। अभी हम जो है इसको बाइंग के लिए अगर देखना है तो यहाँ पर 29,400 के ऊपर ही बाइंग के देखना है। अब यहां पर देखिए क्या यहां पर बैंक निफ्टी कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो यहां पर फाइनली मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखा दूं कि जो आज ट्रेंड लाइन भी ये ब्रेक हो गई थी आज, फाइनली मैंने सोचा कि यहां से बाउंस बैक हो जाएगा बट बाउंस बैक हुआ नहीं। थोड़ा सा मतलब एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये देखिए ग्रीन कैंडल बनने के बाद फाइनली फिर जो है डे लो ब्रेक हो गया था। अब यहां पर अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने के बाद हमको यहां पर जो है जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 29,140 का लेवल, 29,140 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर जो है ट्रेड बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा पहला वो होगा हमारा 29,000 का और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 28,950 का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर दो तीन सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, देखिए यहाँ पर अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है और आपको 29,400 के आसपास, मींस आसपास क्या हो गया 29,370, 380, 390, 29,410 इसके आसपास कहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सेल का जो है ट्रेड ढूंढिएगा रेदर देन बाइंग। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट बना, फाइनली फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और फाइनली जो है इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा 29,400 का लेवल। 29 अब यहाँ पर गैप अप होता है तो 29,400 के लेवल पर आप जो है क्लियर कट यहाँ पर जो है आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन मान लीजिए 100 पॉइंट की हो या 200 पॉइंट की हो, तो वहां पर एटलीस्ट आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन बनने के बाद जैसे डे लो ब्रेक होता है आप वहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करिए, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल आपकी एनालिसिस होगी उतने जो है उतना बड़ा आपका ग्रीन अकाउंट आपको जो है शो होगा। सो अभी मतलब मैंने आपको देखिए क्लियर कट एक चीज बता दी है कि मतलब बाइंग के ट्रेड यहां पर जो है कम ढूंढिएगा और अगर बाइंग ट्रेड आपको मिलते भी हैं तो वहां पर जो है 50-100 पॉइंट जो भी मिलते हैं उसको फटाफट बुक करके निकलने की कोशिश करिएगा, वहां पर वन साइडेड व्यू बनाकर मत बैठिएगा। हां वहां पर अब देखिए, अब हम आराम से कहां पर बैठ सकते हैं, सेल साइड के ट्रेड में। मान लीजिए अब हमने सेल साइड का ट्रेड ले लिया तो हम वहां पर आराम से बैठ सकते हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कंटिन्यू ट्रेल करते हुए। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने जो है किस तरह से आज जो है मूव किया। तो यहाँ पर फाइनली हमने चार्ट यहाँ पर खोल लिया है फायरस का। अब मैं इसमें आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अब सॉरी वन एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ थोड़ा। ये मैंने बैंक निफ्टी का अभी यहाँ पर इंडेक्स हमने ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक का भी है चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अब एक्सिस बैंक के लिए ये जो 590 का लेवल है, 590 का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था कि मतलब आज एक्सिस बैंक का 590 का लेवल ब्रेक होगा बट फाइनली ब्रेक नहीं हुआ। 590 का लेवल ब्रेक होने के बाद जो है ये फाइनली इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास जो है इसको अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं 590 के नीचे तो ट्रेंड लाइन के आसपास इसको जो है बुक करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए फाइनली आज सारे स्टॉक्स गिर रहे थे,
सकते, बट जो छोटे छोटे जो बैंक है, मीन्स बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, मतलब जो मतलब 100 रुपए के नीचे के स्टॉक हैं, उनमें मतलब जो है ज्यादा गिरावट नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देखिए बंधन बैंक ने जो है आज फाइनली, मैंने आपको कल बताया था 360 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग साइड आप देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आज इसने जो हाई लगाया 374 का लगाया, हमारा टारगेट जो है 370 का था, तो फाइनली 370 का टारगेट यहाँ पर जो है अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका अचीव हुआ होगा। अब यहाँ पर हमने कल देखना है 375 रुपए के ऊपर, अगर 375 रुपए के ऊपर निकलता है तब बाइंग साइड के लिए जाना है, और बाइंग साइड के लिए आपने फोकस करना है कि बहुत लंबा टारगेट के लिए नहीं जाना है। फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेरिश टाइप की कैंडल दिखाई देगी, चाहे ये कैंडल ग्रीन है बट यहाँ पर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है सेल का ट्रेड ही बनाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। तो फाइनली ये देखिए आज जो बैंक निफ्टी को जो बहुत बड़ी गिरावट हुई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा है वो HDFC बैंक का ही रहा है, HDFC बैंक और कोटक बैंक। देखिए ये HDFC बैंक और कोटक बैंक, इनकी वेटेज जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की जो है यहाँ पर 1/3, मतलब हम कह सकते हैं मतलब तीसरा हिस्सा 33% तो HDFC बैंक की ही वेटेज है। उसके बाद आता है कोटक बैंक। तो ना HDFC बैंक ने साथ दिया आज बैंक निफ्टी का, और ना ही कोटक बैंक ने आज साथ दिया बैंक निफ्टी का, दोनों जो है आज नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे। दोस्तों बैंक निफ्टी में आज जो है इतनी बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमको कल क्या करना है HDFC बैंक में, ये सुन लीजिए। अब ये 1395 रुपये के नीचे अगर निकलता है, ध्यान से लेवल सुनिएगा, 1301395 के नीचे अगर निकलता है तो हमारा यहाँ पर टारगेट 1373 रुपये का कल का रहेगा। 1373 को भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो है 1350 के लेवल बैंक निफ्टी HDFC बैंक कल दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है 465 का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो फाइनली यहाँ पर देखिए ये जो हाई लगा हुआ है, मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर ये 500 का लेवल क्रॉस करेगा तभी हम यहाँ पर बाइंग साइड में जाने वाले हैं, अदरवाइज अभी हम बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक मैंने 480 के ऊपर बताया था, बट 480 के ऊपर इसने जो हाई लगाया 400, हाँ ठीक है, 490 का हमने कल टारगेट दिया था, 490 ही लगाने के बाद ये फाइनली नीचे की तरफ जो है मूव हो गया। अब ये कल के लिए हमको क्या करना है, 465 के नीचे ही सेल करना है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। देखिए लेवल पर ट्रेड करिए, अगर लेवल पर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी जो है मतलब ट्रैप नहीं होंगे। सो लेवल ट्रेडिंग करना सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखिए, इन सब चीजों पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, अपने व्यू क्लियर रखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल मैनेज करके रखिए, रिस्क को अपने अपने मनी को मैनेज करके रखिए। देखिए यहाँ पर जो है ग्रीन अकाउंट डेली बनेगा, बहुत आसान है ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक जो है अभी मतलब मेरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अभी मेरे को इतना वीक नहीं लग रहा है। सो अब यहाँ पर हम 880 रुपये के ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेल करेंगे इसको, देखिए 830 रुपये के नीचे, अदरवाइज अभी हम इसको सेल के लिए अभी हम इसको नहीं प्रेफर कर रहे हैं, 880 के ऊपर आप जो है यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो यहाँ पर देखिए कोटक बैंक में अगर देखेंगे और HDFC बैंक में देखेंगे तो दोनों में एक सेम कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम कहते हैं देखिए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। अभी देखिए मैं HDFC बैंक का भी मैं आपका चार्ट दिखा दूं, ये देखिए अब यहाँ पर भी जो कैंडल बनी है ये भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, मीन्स इस कैंडल ने पिछली कैंडल को अपने अंदर पूरा जो है मतलब डाइजेस्ट कर लिया हुआ है। अगर इस कैंडल का हम हाई और लो देखें तो मतलब आज की कैंडल से मतलब बिल्कुल अंदर ही है, बाहर साइड नहीं है। सो इसको बुलिश बियरिश एंगल्फिंग के बाद अभी हम जो है बैंक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, जब तक कि मतलब ये 1465 रुपये का लेवल क्रॉस ना करे HDFC बैंक। हम बात कर रहे थे कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक में अभी देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है। अब अगर आज का डे लोग ब्रेक करता है, आज का जो लो लगा है वो 1853 रुपये का है, 1853 का, अब हमको यहाँ पर वेट करना है 1850 के नीचे की क्लोजिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पर कल गैप डाउन ओपन होता है और 1848-47 के आसपास मिलता है, प्राइस एक्शन देखने के बाद या कंफर्मेशन देखने के बाद आप जो है यहाँ पर सेल साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको बताई थी कल। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये मैंने कल आपको बताया था। और फाइनली यहाँ पर जो कैंडल बनाई हुई है ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, और देखिए डोजी टाइप के कैंडल कभी एक अप ट्रेंड के बाद बने या एक डाउन ट्रेंड के बाद बने तो वो कैंडलें काम करती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो यहाँ से अब ट्रेंड जो है यहाँ से बैंड हो सकता है। अब हम इसको कल देखेंगे, 223 रुपये के नीचे जैसे निकलेगा तो हम यहाँ पर जो है सेलिंग के लिए देखेंगे, हम अभी यहाँ पर हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। बाइंग के लिए हम कब देखेंगे, जब ये ऊपर का जो है ट्रेंड लाइन
ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब हम बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज अभी हम इसको जो है 223 रुपए के नीचे सेल साइड के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज जो है मतलब इतना वीक नहीं हुआ जितना मतलब HDFC और कोटक बैंक हुए। इसको हम बाइंग करेंगे 253 की क्लोजिंग के ऊपर। फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल तो यहाँ पर मतलब एक बियरिश ही बनी है। सो यहाँ पर साइन जो है मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको एक डबल टॉप का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट टॉप ये, सेकंड टॉप ये। तो यहाँ पर मेरे को अगर मैं अपने व्यू से देखूँ तो मुझे डबल टॉप ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब डबल टॉप के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ निकलती है, ये आप सब लोग को पता है। सो यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है वो भी आपको एक बेयरिश साइन टोटल दिख रही होगी। तो यहाँ पर भी अगर कल आपको सेलिंग के लिए देखना है तो 240 रुपये के नीचे आप जो है सेल साइड जा सकते हैं। यहाँ हमारा टारगेट होगा 237, 235 और 232 रुपये। सेकेंड, अगर देखिए आप हम लोग के साथ ट्रेड हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और तो आप लोगों को लिए देखिए, हमको सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल मैं आपको प्रीमियम सर्विस बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। जो ट्रेड मैं करता हूँ, जो पर्सनल ट्रेड मेरे अपने हैं, वो ट्रेड अगर आपको करना है विद प्रॉपर लेवल्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है मैं अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ पर मैं जो कॉल मैं खुद करता हूँ, जो मेरे पर्सनल ट्रेड होते हैं उस ग्रुप में मैं वही कॉल देता हूँ। सो आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करके आप लोग को वो कॉल मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।